يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखें। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप हजरात की खिदमत में झूठे और ऐसे ख्वाब की निशानी और आलामत बयान करने वाला हूँ जिनकी कोई ताबीर नहीं होती। झूठे ख्वाबों की आपकी खिदमत में 6 निशानियाँ पेश करूँगा। इससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और एक खुशखबरी आपके लिए ये है कि हमने अपने चैनल पर एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है फ्राइडे कमेंट बॉक्स। फ्राइडे को अपनी कमेंट बॉक्स से हम तमाम सवालों और तमाम ख्वाबों को उठाकर उनकी ताबीर फ्राइडे को बयान करते हैं। आपने भी अगर हमसे किसी ख्वाब की ताबीर मालूम करनी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना ख्वाब लिखिए और ये ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है। बात शुरू करते हैं। झूठे ख्वाब की निशानी और अलामत बयान करने से पहले आप एक ज़रूरी बात समझ लें। ख्वाब 3 तरह के होते हैं। एक ख्वाब वो जो अल्लाह की जानिब से होते हैं, दूसरे ख्वाब वो जो नफ्स की जानिब से होते हैं, और तीसरे ख्वाब वो जो शैतान की जानिब से होते हैं। इंसान को सबसे कम नज़र आने वाले ख्वाब अल्लाह की जानिब से होते हैं। अल्लाह की जानिब से बहुत कम नज़र आते हैं लोगों को ख्वाब, और सबसे ज़्यादा नज़र आने वाले शैतानी ख्वाब होते हैं। जो भी शैतानी या नफसानी ख्वाब होंगे वो झूठे होते हैं। एक अलामत उसकी ये है। इसके अलावा झूठे और नफ्स और शैतान की जानिब से होने वाले ख्वाब की 6 निशानियाँ आपकी खिदमत में और पेश कर रहा हूँ। पहली निशानी ये है कि जो ख्वाब भी नफ्स और शैतान की जानिब से होगा वो झूठा होगा, और उसके झूठे और होने की निशानी और अलामत ये है बेमाना होगा, उसके कोई माना नहीं होंगे, लंबे लंबा होगा, फिल्म स्टोरी और कहानी की तरह एक लंबा दराज होगा जिसमें कोई और उसका कोई शुरुआत और कोई लास्ट और अखीर नज़र ही नहीं आएगा। ये ख्वाब सच्चा नहीं होता, ऐसे ख्वाब झूठे होते हैं जो शैतान और नफ्स की जानिब से दिखाए जाते हैं। इसी तरीके पर दूसरी निशानी ये है, शैतान और नफ्स की जानिब से नज़र आने वाले ख्वाब में कोई सच्चाई नहीं होती, सच्चाई से कोसों दूर होते हैं। तीसरी निशानी ये है झूठे ख्वाबों की कि ख्वाब देखने वाला ख्वाब भूल जाता है, याद नहीं रहते। सच्चे ख्वाब की निशानी ये है कि वो याद रहता है। झूठे ख्वाब की निशानी ये है कि इंसान उसको भूल जाता है, या अगर याद भी रहा तो वह थोड़ा सा, पूरी तफसील उसकी याद नहीं रहती। चौथी निशानी ये है कि झूठे ख्वाब वो होते हैं जो एहतराम वाले होते हैं, अखलाक वाले नहीं होते, जो पाकीज़ा और पवित्र नहीं होते, उनमें एहतराम हो जाता है। ऐसे ख्वाब सच्चे नहीं होते, ये उनके झूठे होने की अलामत और निशानी होती है। और छठी निशानी और अलामत झूठे ख्वाब की ये है, वो बेतरतीब होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कौन सी बात का जोड़, कौन से ख्वाब के हिस्से का किससे क्या जोड़ है, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो दोस्तों झूठे ख्वाब की ये 6 निशानी मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। आप अपने ख्वाब को इन निशानियों पर परखें कि अगर आपके अंदर ये ख्वाब की ये निशानियाँ पाई जाती हैं तो आपके ख्वाब झूठे हैं, सच्चे नहीं हैं, वो शैतान और नफ्स की जानिब से हैं, अल्लाह की जानिब से नहीं है। उम्मीद करता हूँ बात आपकी समझ आ गई होगी। दुआओं की दरख्वास्त है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।